हे गाइस, वेलकम टू पॉलिनेटर्स एंड फर्स। लास्ट रोज़ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट इसके जस्ट नेक्स्ट जो रोज़ है वो काफ़ी प्यारा सा शेड है, तो वो मैं शेड आपको दिखा रही हूँ। ये खिल चुके हैं, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है। ये ब्राइट कोरल कलर लगता है मुझे, आपको क्या लगता है बताइए। कभी कभी मुझे लगता है कैमरे में शायद इसका कलर अच्छे से नहीं आता, बट दिस कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्राइट। एंड इसकी अभी दो बड्स खिल चुकी हैं, एक ये है और एक इसके बगल में ये है, बहुत प्यारी सी। और बाकी की दो बड्स जो हैं वो आई थिंक ये कल खिल जाएगी, शायद परसों में खिल जाए, बट खिल जाएंगी। और इसमें अभी एक बड और है जो अभी खिली नहीं है, इसमें हैबिट्स लग रहे हैं, मैं पानी डाल रही हूँ, बट आई रहे मौसम ही कुछ ऐसा है कि एफिड्स का अटैक हो ही रहा है। बट क्योंकि इसमें बटरफ्लाइज और हनी बीज भी आती है, तो मैं कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस यही दिखाना था आपको, आप बताइए कैसे लगे आपको ये फ्लावर नए वाले। जैसे जैसे बाकी रोज़ेस में खिलेंगे मैं आपको सारे रंग दिखाऊंगी। अभी एक मेरे पास एक और है रोज़ आवरा का डाबरा, उसमें भी बड आ रही है, तो अगर आप वो देखेंगे तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो खिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। बहुत ही यूनिक फ्लावर है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है आबरा का डाबरा। देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियो का, और आप देखें कि आबरा का डाबरा मेरा कैसा है। उससे भी मैं इसी साल लाई हूँ। और ये देखिए, ये जो पिंक रोज था इसकी बाकी सारी कलियाँ भी खिली गई थी, ये कुछ एग्जॉस्ट भी हो चुकी हैं और दो अभी खिली हुई हैं और बाकी नई बड्स तो बनी रही है। ये देखिए काफ़ी सारी नई बड्स हैं, तो धीरे धीरे करके बनती जाएंगी। ये देखिए इसमें एफर्ट्स लग रखे हैं बहुत सारे, इसको मैं पानी से हटा रही हूँ, बटा रहे हैं दोबारा। बट एनीवेज, अगर आपको ये कलर पसंद आया तो इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कौन कौन से रोजेज़ हैं, कौन कौन से यूनिक कलर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।